पूछना है। आज ही हमने स्टार्ट करना है डॉपलर इफेक्ट, दैट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले कहते हैं जी, द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ साउंड जो है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर जो है, इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर पूछ रहे होते हैं पिच और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क होता है। बाय अगर फिजिकल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रीक्वेंसी और पिच एक ही बात है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम द सोर्स पर सेकंड। नंबर ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम द सोर्स पर सेकंड जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ वेव्स जो है रीचिंग टू द लिसनर या ऑब्जर्वर जो है, उसके पास जो नंबर ऑफ वेव पर सेकंड पहुंच रही होती है, उसको हम पिच बोलते हैं आमतौर पर। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है उसको हम नाम दे रहे होते हैं पिच का, और जो सोर्स जनरेट कर रहा होता है उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, वो होती है फ्रीक्वेंसी। अब बेसिकली ये आमतौर पर कुछ लोग स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर, तो मैंने पहले बता दिया। डॉपलर इफेक्ट जो है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डॉपलर 1885 में व्हाइल ही वाज स्टडीइंग द मोशन ऑफ डिस्टेंट स्टार्स। एज वी नो आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि यूनिवर्स जो है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रही है, तो उन्होंने जो है वो स्टार्स की मोशन को जो है वो स्टडी करना स्टार्ट कर दिया ताकि इसको कन्फर्म कर सके क्या यूनिवर्स वाकई एक्सपेंड कर रही है। उनको फिर पता चला कि कुछ स्टार्स जो हैं अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ स्टार्स अर्थ से अवे मूव कर रहे हैं। इट मीन्स के यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, जिसको हम डॉपलर शिफ्ट का नाम देते हैं, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जी डॉपलर शिफ्ट होती क्यों है, डॉपलर इफेक्ट जो है वो होता क्यों है। हम कह रहे हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अच्छा, अब देखो कि रिलेटिव मोशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। सपोज करें अगर सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ us, देन इन 1 सेकंड वेव्स आर कंप्रेस्ड बाय एन अमाउंट, उसको क्या कहते हैं, डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। तो डॉपलर शिफ्ट की वजह से बेसिकली फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। अगर तो देखें ना, फ्रीक्वेंसी जो चेंज है वो अब किस वजह से आ रही है, आप जरा गौर करते हैं इस वाली एग्जाम्पल पर। डॉपलर इफेक्ट फॉर ए मूविंग साउंड सोर्स। अब सपोज करें कि ये दो हमारे पास ऑब्जर्वर है, एक ये जो राइट वाला एक लेफ्ट वाला, ठीक है जी। अब सपोज करें कि ये वाला जो ऑब्जर्वर है, ये वाला जो है, अब इसकी तरफ जो है वो सोर्स मूव करके इसकी तरफ जा रहा है। तो अब जरा गौर करें कि यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है। अगर सोर्स जो है वो उसकी तरफ मूव करके जा रहा है तो वेवलेंथ कम होती जा रही है। अगर वेवलेंथ कम होगी, इट मीन्स डैट के जो अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो इट मीन्स के फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, किसके लिए, फॉर द ऑब्जर्वर जो है जो कि यहाँ पर हमारे पास है। सो यहाँ पर दूसरे की बात करें, अगर हम ये वाला जो लेट से ये हमारे पास जो है दूसरा ऑब्जर्वर है, चूंकि सोर्स इससे दूर जा रहा है, अब सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, इट मीन्स डैट के यहाँ पर जो है अगर जो है ये वेवलेंथ चूंकि बढ़ती जा रही है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है हम उसको कहते हैं एफ इज इक्वल टू पी ओवर लैम्डा। अच्छा, इट मीन्स कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो वेव लेंथ कंप्रेस होती है, वेव इज कंप्रेस बाय एन अमाउंट जो है, तो जब वेव कंप्रेस होंगी तो फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाएगी, यानी कि वेव लेंथ अगर कम होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और अगर वेव लेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट का मतलब है कि देखें, अगर हमारे पास ना दो ये सोर्स है, ये आपके पास ऑब्जर्वर है, अगर दोनों ये सोर्स को अगर आप मूव करवा लें, ऑब्जर्वर को रेस्ट में रख लें, तो जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो जाहिर है जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसने तो चेंज नहीं होना। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम द सोर्स पर सेकेंड, सो वो तो कम नहीं हो रही, वो तो उतनी ही रहनी है। तो नंबर ऑफ वेव्स जो है वो कमिंग फ्रॉम द सोर्स हम कह रहे होते हैं पर सेकेंड जो है, इसको जो है वो यहाँ पर हम। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास जो है ये जो अच्छा देखो बेटा, बात ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है ये सोर्स जो है, एक मिनट, यस अच्छा जी, इसमें वापस आ गया।
अच्छा देखो, बात ये है कि हमारे पास जो है ये जो सोर्स और डॉपलर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, हमारी बुक में भी जो है वो कैलकुलेट करना आपको सिखाया गया है। आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो इसके केसेस जो है वो लर्न करने हैं। एक और एग्जांपल यहाँ गिवन है डॉपलर शिफ्ट से रिलेटेड, ये देखो। अच्छा, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर जो है, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों स्टेशनरी हो, सोर्स भी स्टेशनरी हो ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी हो, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के लिहाज से इनकी रिलेटिव मोशन क्या होगी, वो जीरो होगी। अगर दोनों की रिलेटिव मोशन एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि किसी किस्म का डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ देखे मूव करके आ रहा है, तो इसमें जो है वेव्स कंप्रेस कर जाएंगी। अब देखें, पहले उसकी वेवलेंथ जो है वो हर जगह क्या है, कॉन्स्टेंट रह रही है, लेकिन जब सोर्स इसकी तरफ मूव करना शुरू होगा तो वेव में कंप्रेशन आ जाएगी, और कंप्रेशन की वजह से वेवलेंथ कम हो जाएगी। अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा केस देखते हैं, अगर सोर्स जो है डेट विल मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जब वो उससे दूर जाएगा तो अब वेव जो है वो एक्सपेंड करेंगी, तो एक्सपेंशन की वजह से ज़्यादा उनकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर वेवलेंथ बढ़ी है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो ऑब्जर्वर वही का वही अभी स्टेशनरी है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास डॉपलर इफेक्ट है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो किस वजह से होती है, डॉपलर शिफ्ट की वजह से होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं इसके केसेस की। आपने सबसे पहले क्या करना है, केसेस को अच्छे तरीके से ना लर्न करना है। बार बार आपने जो है वो समझने को रटा लगा ले प्रैक्टिस के लिए। जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, आपने स्टेटमेंट पढ़ते ही उसको अंडरलाइन कर लेना है और ये देख लेना है कि ये केस कौन सा है। आइदर इट इज केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सिक्स में से कौन सा केस है वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद जो कंडीशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे जी पहला है केस नंबर 1, क्या है कि जब ऑब्जर्वर इज मूविंग विद अ स्पीड यू नॉट टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स जो है। अच्छा, यहाँ ना कुछ पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स चेंज नहीं होते। पैरामीटर्स का मतलब है कि आप वी क्या कह रहे हैं, वी होता है स्पीड आप साउंड को बोल रहे हैं, यू नॉट किसको बोल रहे हैं वो स्पीड आप ऑब्जर्वर को बोल रहे हैं, यू एस किसको बोल रहे हैं वो स्पीड आप सोर्स है, एफ प्राइम किसको बोल रहे हैं ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ये पैरामीटर्स हैं, ये फिक्स रहते हैं, आप इनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो है वो आपने जो है वो प्रैक्टिस कर ली है। अगर एग्जामिनर फॉर्मूला चेंज भी करके पूछता है तो आप इजीली आंसर कर सकेंगे, क्योंकि ओरिजिनल पैरामीटर्स आपको याद है। तो वो आपने जो है वो पहले सबसे पहले वो फिक्स करने हैं। फिर बोल रहा हूँ एफ प्राइम जहां भी आएगा इसका मतलब होगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ सिंपल जहां आएगा इसका मतलब होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वी जहां आएगा इसका मतलब क्या होगा स्पीड ऑफ साउंड, और यू नॉट जहां आएगा इसका मतलब होगा स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और जहां यू एस आएगा उसका मतलब होगा स्पीड ऑफ सोर्स। अच्छा, एक बात यहाँ याद रखें कि ये जो केसेस हैं हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये वाले जो केसेस हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली फॉर साउंड, लेकिन ये वाले जो केसेस हैं ये हम जो है साउंड के अलावा जो है लाइट वेव के लिए भी डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है, यानी कि मैकेनिकल वेव्स और ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब के लिए जो है डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, ऑब्जर्वेबल है। तो हम उसको लाइट में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ साउंड का केस इसलिए लिया गया है कि इसको ऑब्जर्व करना ईजी है, तो हम इसको ऑब्जर्व ईजीली कर सकते हैं। तो केस जरा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसके जो केसेस है स्पेशली उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है सबसे पहले, ताकि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस जब कर लेंगे फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ना है। केस नंबर 1 बहुत सिंपल है, अगर एक ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा हो स्टेशनरी सोर्स की तरफ, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल होगी, वी प्लस यू नॉट। यू नॉट यहाँ क्या क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहां पर देखें कि v प्लस यू नॉट ओवर v इंटू क्या हो जाएगा f, ये वाला फॉर्मूला बन गया। यहाँ से हमें पता चला कि f प्राइम ग्रेटर देन क्या होगा, f यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन यानी कि इंक्रीज कर जाएगी एज कम्पेयर टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वर ने मूव करना है स्टेशनरी सोर्स की तरफ। केस नंबर 2, जब एक ऑब्जर्वर जो है वो मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, तो जब ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी सोर्स से अवे मूव करेगा तब ये फॉर्मूला बनेगा v माइनस यू नॉट ओवर f इनटू f। तो ये f प्राइम क्या होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, हम कहेंगे f प्राइम इज लेस देन f,
इस केस में क्या होगा कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी एज कम्पेयर टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, केस नंबर 3 थी। अब बारी आती है सोर्स की। पहले हमने सोर्स को रेस्ट में रखा था, ऑब्जर्वर को मूव करवाया था पहले दोनों केसेस में। केस नंबर 3 में आपने क्या करना है कि ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखना है, स्टेशन ऑब्जर्वर को स्टेशनरी कर लेना है, सोर्स को मूव करवाना है, ठीक है जी। और इसमें लेट्स से कि अगर हम सोर्स को मूव करवाते हैं, सो अगर सोर्स जो है वो टू वर्ड्स दी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो एफ प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओवर बी माइनस यू एस इन टू एफ। अच्छा गौर करें कि डिनोमिनेटर में वैल्यू कम हो रही है, फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में जो कि वैल्यू कम हो रही है, तो एफ प्राइम जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देगी। इसकी वैल्यू अगर जो है एफ, आप देखें ना डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो अगर कम होगी तो जाहिर है एफ प्राइम जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब है अगर कोई सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे, तो उसकी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट जो है केस नंबर 4, दैट इज आल्सो सिंपल वन। अगर जो है सोर्स इज मूविंग टू अवे फ्रॉम द सोर्स, सो इसमें कहते हैं इफ सोर्स इज मूविंग विद अस जनरेटिंग अ साउंड भी अवे फ्रॉम द, जो केस नंबर 4 है इसमें टू वर्ड्स की बजाय जो है वो क्या आएगा, अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, अगर उससे अवे मूव कर रहा होगा। अगर उससे अवे मूव करेगा तो डिनोमिनेटर में बी प्लस यू एस आएगा, तो डिनोमिनेटर में चूंकि वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए एफ प्राइम की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। हम कहेंगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है दैट डिक्रीजेस जो है एज कम्पेयर टू जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। अच्छा केस नंबर 5 और 6, एम डी कैट के रेफरेंस से अगर देखें, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए हम जो है वो 8 to 12 केसेस डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जस्ट 6 केसेस जो है इनफ है, इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। हम जो है वो असल में उन क्वेश्चन की तरफ भी ज्यादा उलझ जाते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो ज्यादा जो है वो सॉल्व भी हो रहे होते हैं। असल में कुछ अकेडमीज और कुछ जो हमारा जो एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोफेशन है उसमें ना कुछ अकेडमीज का ये मोटिव रहा है कि हम ना डिफिकल्ट डिफिकल्ट जो है ना क्वेश्चन बुक्स में रखें स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डरेंगे, जब खुद उनसे सॉल्व नहीं होंगे तो दोबारा वो अकेडमी आएंगे टीचर से हेल्प लेने, तो दोबारा उनका बिजनेस बढ़ेगा, तो वो कुछ ना डराने के लिए भी क्वेश्चन रखेंगे। आप एम डी कैट के लेवल पे रह के अगर उनको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा, आपको मेहनत भी कम करना पड़ेगी, आप परेशान भी कम होंगे, कंफ्यूज भी कम होंगे, दैट विल इंक्रीज योर रिजल्ट। कुछ क्वेश्चन जो है वो हम सीट के टेस्ट में भी थोड़े जो है ना वो आप उनको लेवल थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाते हैं, उनका लेवल बढ़ाने की रीजन ये होती है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, जब आप उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे मॉकस पाएंगे तो क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए समटाइम्स ऐसा करते हैं। तो केस सिर्फ आपने 6 ही याद रखना है। फिर केस क्या हो सकता है, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फिर फॉर्मूला होगा एफ प्राइम इज इक्वल टू बी प्लस यू नॉट ओवर बी माइनस यू एस इनटू एफ। अच्छा इसमें हम ये डिसाइड कर सकते कि अपेरेंटली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या अच्छा कम होगी। अच्छा इसमें देखो क्या होगा कि दोनों जब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो हम इसके ऊपर ना हमें इसकी जो है ना वेलोसिटीज देखनी पड़ेगी कि यू नॉट की वेलोसिटी ज्यादा है या यू एस की वेलोसिटी ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा, ठीक है जी। अच्छा 6 वाला जो केस है इसमें क्या होगा कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे होंगे, फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी माइनस यू नॉट ओवर वी प्लस यू एस इनटू एफ। तो सबसे पहले आपने ये 6 के 6 केसेस को अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, जब प्रैक्टिस हो जाए इनके पैरामीटर याद हो जाए फिर हमने इनकी तरफ आना है क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अ सोर्स ऑफ साउंड जो है इज मूविंग टूवर्ड्स जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, द रेशियो ऑफ अपेरेंट टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले नोट करना है केस कौन सा है। उसमें कह रहा है सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, हम कहेंगे कि ये केस नंबर जो है वो कौन सा आपका 3 है। तो सबसे पहले आपने वो केस नोट करना है, तो आपने फौरन जो है वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इन टू एफ। दूसरी चीज नोट करनी है कि आपको गिवन कंडीशन क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है।
तो गिवन कंडीशन इज कि दैट इज मूविंग हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, हाफ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर रहा है, यानी कि यूएस की वैल्यू आपको दी हुई है बी बाय टू, ठीक हो गया। और रेट पूछा क्या गया, रेशियो ऑफ एरर टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो बड़ा सिंपल है, एफ प्राइम इज इक्वल टू बी ओवर बी, यूएस की वैल्यू बी ओवर टू दी हुई है, एफ को मैं उधर डिवाइड कर दूंगा, तो कंपेयर टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछी हुई है, बी बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, चूंकि बी माइनस बी बाई टू क्या आएगा वन बाई टू, तो बी बी से कैंसिल आउट हो गया, ये टू पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ गया टू रेशो वन। इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि एफ प्राइम जो है वो टू टाइम्स एफ एफ हो जाएगा, अगर मैं एफ को उधर मल्टीप्लाई कर दूँ ना, इसका मतलब अगर जो है कोई साउंड का सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ कितनी स्पीड से मूव करे, हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड से मूव करे, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल का डबल हो जाती है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया। अब देखो खुद से क्वेश्चन जनरेट करने की भी कोशिश क्या करें, अगर मैं इसी क्वेश्चन का रिवर्स बनाऊं, इसी क्वेश्चन से मैं एक और क्वेश्चन बना लूं खुद से, तो वो क्या क्वेश्चन बनेगा, विद व्हाट स्पीड अ सोर्स शुड मूव टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर सो दैट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बिकम्स ट्वाइस, जैसे यहाँ हमने देखा कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल का डबल हो जाएगी, तो हम ना उसको उसी का क्वेश्चन मैंने बना लिया कि इसमें हमें बताया गया था सोर्स कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की रेशियो है वो टू रेशो वन आ रही है, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल का डबल हो रही है, तो मैंने उसी का रिवर्स क्वेश्चन बना दिया, विद व्हाट स्पीड अ सोर्स शुड मूव टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर सो दैट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बिकम्स ट्वाइस, तो हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इनटू एफ, एफ प्राइम की जगह टू एफ आ जाएगा, v ओवर v माइनस वी एस इन टू एफ। अब देखो कंडीशन क्या गिवन थी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल का डबल हो जाए, तो मैंने f प्राइम की जगह टू एफ पुट कर दिया, ठीक है, जो अपेरेंट का डबल जो एक्चुअल का डबल पुट कर दिया है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, f f से क्या हो गया कैंसल आउट। यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, जरा गौर करें, कहते हैं विद व्हाट स्पीड अ सोर्स शुड मूव, यानी सोर्स को किस स्पीड के साथ मूव करना चाहिए, हमें यूएस की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यूएस जो है इसको मैंने एफ एफ से कैंसिल आउट कर दिया, ये वी माइनस यू एस इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, टू को अंदर मल्टीप्लाई करें टू वी माइनस टू यू एस इज इक्वल टू वी, यहाँ से यूएस फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा वी बाई टू, तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई सोर्स वी बाई टू स्पीड के साथ यानी हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड के साथ मूव करे टूवर्ड्स द स्पेशली ऑब्जर्वर तो उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आपके पास, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन गिवन है आप उसका रेसिप्रोकल ना फाइंड करके देखें क्या वही आंसर आ रहा है, इस तरह से प्रैक्टिस करें ताकि फॉर्मूला की एप्लीकेशन भी आपको आए, आपको वो जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एक और यहाँ कॉन्सेप्ट जो है आपने नोट करना है, मैं आपको एक केस करवा रहा हूँ, बाकी आपने चारों के चारों केस पहले वाले खुद कर लेने हैं, कैसे करने हैं, समटाइम्स ऐसा होता है हमें यहाँ तो हमने केसेस लर्न किए हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन समटाइम वो हमें वेवलेंथ भी पूछ लेता है, यानी समटाइम्स हमें वो अपेरेंट वेवलेंथ की वैल्यू पूछ रहा होता है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा होता है, तो मैं एक केस जो है वो केस कौन सा सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा हो, तो हमारा फॉर्मूला होता था f प्राइम इज इक्वल टू v ओवर v माइनस यू एस इन टू f, तो मैं f प्राइम की जगह पुट करूंगा, देखे ना f होता है v ओवर लैम्डा, एफ प्राइम की तरफ पुट करूंगा v ओवर लैम्डा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, और f की जगह पुट कर दूंगा v ओवर लैम्डा, v v से क्या हो गया कैंसिल आउट, यहां से 1 ओवर लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू v ओवर v माइनस us इनटू 1 ओवर लैम्डा आ गया। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और लैम्डा प्राइम की वैल्यू फाइंड करूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा v माइनस us ओवर v इनटू लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ, जरा गौर करें कि आपके पास ये जो फॉर्मूला था अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वाला, जिसमें हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, अगर वो कभी किसी क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ फाइंड करने के लिए कह देता, वेवलेंथ भी तो चेंज हो रही है ना, तो अपेरेंट वेवलेंथ फाइंड करने के लिए कह दे तो वो फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला रिवर्स हो गया, यानी वी ऊपर था अभी नीचे आ गया, वी माइनस यू एस नीचे था ऊपर आ गया, तो वो चूंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से आपने केस नंबर वन, केस नंबर टू, थ्री, फोर, ये चारों फॉर्मूले वेवलेंथ की टर्म में भी आपने अपने नोट्स में लिख लेने हैं, ताकि अगर कभी आपको वेवलेंथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जी हमारे पास यहाँ पर इसी तरह से इसके ना आपने जो है
फाइंड करने हैं जी इसके, सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, एक तो हमें न्यूमेरिकल पेपर में आ सकते हैं, दूसरा इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है अक्सर क्वेश्चन जो है इन्फॉर्मेशन बेस आते हैं, इसको अच्छे से आपने रिवाइज करना है, बुक से भी रिवाइज करना है, प्रैक्टिस बुक से भी रिवाइज करना है, अच्छे से लाइन अंडरलाइन करनी है। डॉपलर इफेक्ट इज यूज इन शिप्स, सबमरीन्स, इन माइनिंग, हंटिंग, सब में सब जो है ना डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। सोनार बेसिकली क्या होता है, इसको कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन का मतलब होता है मैपिंग, रास्ता रास्ता जो है उसको डिटेक्ट करना है। रेंजिंग का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, कि वो लेट से कि सब मरीन में इसको यूज करते हैं सोनार सिस्टम को, तो सब मरीन से जो है वो एनिमी का जो सब मरीन है वो कितनी दूर है, ओशन जो है उससे किनारा कितनी दूर है, ओशन की डेप्थ फाइंड करनी है, तो नेविगेशन के लिए जो है वो यूज होता है ये सारा, और रेंजिंग के लिए भी यूज होता है सोनार। इस टेक्निक में जो है सोनार में बेसिकली जो है वो अल्ट्रासाउंड का यूज होता है, तो साउंड प्रोपोगेट कहते हैं, टेक्निक यूजेस द साउंड प्रोपोगेशन, इसमें हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, क्योंकि अंडर वाटर जो है वो ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं वो ज्यादा एप्रिशिएबल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती, तो वहां पर जो है अंडर वाटर हम रेडियो वेव्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत जल्दी डाई आउट हो जाएंगे, तो वहां पर जो है वो बेसिक फिर क्या यूज करते हैं, वहां पर हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, यानी साउंड की एनर्जी को यूज करते हैं। टेक्निक ऑफ सोनार जो है इज ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्ट, कहते हैं जी प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर बाय अकॉस्टिकल इको, तो जो अल्ट्रासाउंड है उसकी इको नीचे भेजी जाती है, उससे हम डेप्थ ऑफ ओशन भी फाइंड कर सकते हैं, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। बैट्स जो हैं जो चमगादड़े होती हैं वो अपने मुंह से जो इको जनरेट कर रही होती हैं, साउंड जनरेट करती हैं, उससे वो इको लोकेशन से लोकेशन और फूड जो है वो फाइंड कर सकती हैं। रडार सिस्टम जो है इज आल्सो यूज फॉर द, उसमें रेडियो वेव्स का आमतौर पर यूज होता है, जैसे आपकी बुक में गिवन है। देखो अगर लेट से रेन ड्रॉप है या एरोप्लेन है, अगर जो है वो अर्थ रडार की तरफ आ रहा होगा तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर दूर जा रहा होगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ये रडार सिस्टम आपकी बुक में भी डेफिनेशन बनी हुई है, सॉरी डायग्राम बनी हुई है। सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ जो है उसको उसकी जो स्पीड है उसकी जो मोशन है उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। स्पीड ट्रैक कैमरास जो मोटरवे पे आप जाते हो चालान होता है ओवर स्पीडिंग की वजह से, उनके पास जो कैमरा है उनमें भी इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो यूज कर लेते हैं, रेडियो वेव्स का यूज कर लेते हैं, ताकि वो उससे भी जो है ना वो वेव निकलती है जाके गाड़ी से टकराती है, टकराने के बाद वापस आती है और उसमें वो डॉपलर शिफ्ट को नोट कर लेते हैं और डॉपलर शिफ्ट से जो है वो फॉर्मूला लगा के स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी कैन डिटरमिन वेलोसिटी ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यूजिंग डॉपलर इफेक्ट है। डॉक्टर्स यूज डॉपलर इफेक्ट टू मॉनिटर द ब्लड फ्लो इन मेजर आर्टरीज, वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस, पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा रिवाइज हुआ है। ये जो है इसमें एक इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि आपकी बुक में बुक की डायग्राम है। डॉपलर इफेक्ट कैन बी यूज टू मॉनिटर ब्लड इन मेजर आर्टरीज, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है आमतौर पर जो क्वेश्चन एमटी कैट के पास्ट पेपर में आपको नजर आएगा वो 5 MHz टू 10 MHz जो है वो फ्रीक्वेंसी यूज होती है, जब आप मेजर आर्टरीज में जो है वो ब्लड फ्लो को मॉनिटर कर रहे होते हैं। फॉर यू इन्फॉर्मेशन में आपने ये भी याद रखना है, इसको भी एक नज़र देख लेना है, डॉल्फिन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, बैट की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, कैट की क्या है, डॉग की क्या है, ह्यूमन। अगर यहाँ देखें तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है वो किसकी है, डॉल्फिन की है, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो डॉल्फिन की है, और सबसे कम यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ह्यूमन। अच्छा नेक्स्ट जो है इसमें जो है वो आपको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होता है, बड़ा सिंपल है। देखो हमारे पास जो है ना स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ कहता है जी शो ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट, इसका क्या मतलब है, याद रखना आपने कि जो एक्चुअल कलर ऑफ स्टार है ना वो होता है येलो। हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग देखें तो रेड, ऑरेंज, फिर आता है येलो, उसके बाद क्या आता है जी ग्रीन, उसके बाद क्या आता है ब्लू, उसके बाद क्या आता है इंडिगो, और लास्ट पे क्या आता है वायलेट। तो ये हमारे पास जो है वो लाइट का विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम जो है उसमें सबसे पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ऊपर की तरफ देखें तो वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है जी। ऊपर की तरफ देखें तो वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है जी। और नीचे जो है वो नीचे की तरफ आए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है
फ्रीक्वेंसी जो है वो रेड की कम है, ब्लू की ज्यादा है। अब मैंने आपको कहा कि कोई भी जो स्टार है उसके टेम्परेचर पे डिसाइड होता है, कि टेम्परेचर से कलर जो है वो पता चल जाता है उसका ओरिजिनल कलर क्या है टेम्परेचर से भी। और याद रखना है विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी कलर चेंज हो जाता है, तो जो स्टार है उसका एक्चुअल कलर जो है वो क्या होता है, येलो। स्टार का जो एक्चुअल कलर है वो येलो है, मतलब जो यूजल स्टार है उनके आउटर टेम्परेचर जो है ऑक्सीजन का वो इतना है कि उसका जो एक्चुअल कलर अगर हम उसको स्टेशनरी में ऑब्जर्व करें तो वो येलो होगा। लेकिन अगर कोई स्टार जो है वो अर्थ से दूर जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, अर्थ से दूर जा रहा है, अगर स्टार अर्थ से अवे मूव कर रहा है तो उसको जो है वो जाहिर है अवे मूव कर रहा है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। जैसे एरोप्लेन जो है अगर रडार से दूर जा रहा हो तो उसकी वेवलेंथ बढ़ती है, तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसको जो है वो येलो की बजाय ऑब्जर्वर को जो अर्थ पे है उसको वो स्टार येलो नजर नहीं आएगा, क्या नजर आएगा, रेड नजर आएगा। हम इसको कहेंगे कि वो रेड शिफ्ट है, होगा उसका एक्चुअल कलर येलो ही। अब चूंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है तो कुछ स्टार्स हमारी अर्थ की तरफ आ रहे हैं, जो अर्थ की तरफ आ रहे होंगे, जो स्टार अर्थ की तरफ आ रहा होगा, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होगा, उसकी अगर देखें तो जो स्टार ऑब्जर्वर की तरफ आ रहे हैं उसमें क्या होगा, चूंकि वो ऑब्जर्वर की तरफ रीच कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ वेवलेंथ कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, वेवलेंथ कम हुई है, तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ के जो है वो येलो की बजाय जो है वो क्या हो जाएगी, ब्लू। तो हमें वो जो स्टार है वो येलो की बजाय क्या नजर आएगा, ब्लू। इसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू एंड रेड शिफ्ट। बेसिकली कुछ स्टार अर्थ की तरफ आ रहे हैं, कुछ अर्थ से दूर जा रहे हैं। जो अर्थ की तरफ आ रहे होंगे वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर नजर आएगी, तो एक्चुअल कलर येलो की बजाय हमें उसका क्या नजर आ रहा होगा, ब्लू नजर आ रहा होगा। जो स्टार अवे मूव कर रहे हैं वो हमें येलो की बजाय रेड नजर आएंगे। ठीक हो गया जी। बाकी अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जो है आपको सिंपल ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड जो है वो हम इसको डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे भी यूज करते हैं, सोनोग्राफी के लिए भी, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भी। अच्छा, इसमें जो हमारे पास साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है जो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, जिसको आप ये कहते हैं कि इट इज नॉट हियरेबल बाय ह्यूमन, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। ये जो चुगलियां कहते हैं ना एक दूसरे के कान में, सरगोशी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, वो तो सुन लेते हैं ना आप लोग। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 20 हर्ट्ज हो तो उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक, ऐसी साउंड को कहते हैं इंफ्रासोनिक। और अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज हो तो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तो लेस देन 20 हर्ट्ज भी ह्यूमन नहीं सुन सकते, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज भी नहीं सुन सकते। हमारे लिए ऑडिबल रेंज यानी सुनने की रेंज क्या है, 20 किलो हर्ट्ज है। तो ये हमारी जो है हियरेबल रेंज है। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड, और इसकी जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं अकोस्टिक एनर्जी। साउंड की एनर्जी को अकोस्टिक एनर्जी कहते हैं, और चूंकि साउंड एक वेव है, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पजेस। और यहाँ हम सोनार में इसको यूज करते हैं, इसको अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड को। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट अल्ट्रासाउंड। अब आपने क्या करना है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक दफा जो है रिवाइज कर लेनी है। सबसे पहले करना ये है कि ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, जो डॉपलर इफेक्ट है, इसके केसेस अच्छे से सारे रिवाइज करने हैं। केसेस रिवाइज करने के बाद जो है आपको पैरामीटर अच्छे से याद होने चाहिए। एफ प्राइम किसको बोल रहे हो, यू नॉट किसको बोल रहे हो, यू किसको बोल, यूएस किसको बोल रहे हैं, पी का क्या मतलब है, एफ का मतलब क्या है। उसके बाद केसेस के फॉर्मूले लिख के अच्छे से आपने रिवाइज करने हैं बार बार। जब भी कोई क्वेश्चन आए आपने सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर देखना है गिवन कंडीशन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। ठीक हो गया।